रतलाम जिला अंतर्गत तीन गांवों की लियर स्वीकृति सिंचाई योजना का जिक्र करते हुए ग्रामीणों ने जन समस्या की और ज्ञापन सौंपा। साथ ही मजदूरों ने रोजगार की मांग उठाते हुए पलायन करने को लेकर अपना दर्द बयां भी किया। मुख्यमंत्री के भूमि पूजन करने के बाद भी जमीनी लेवल पर योजनाएं दम तोड़ने को मजबूर हैं और ग्रामीण मजदूर रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। इसलिए तमाम योजनाओं को लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय में ग्रामीण जनों ने ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं का जल्द समाधान करने की बात कही। जो हमारा डीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जन आशीर्वाद के दौरान उसका शिलान्यास भी कर दिया, उसके बाद उसकी राशि भी मंजूर हो गई, अभी तक काम चालू नहीं हुआ। भूमि पूजन कर दिया उसके बाद भी अभी तक काम चालू नहीं हुआ, जबकि हमारे कुआ जगह कलमोड़ा और मुंदड़ी तीन गांव में वहाँ पानी, उससे पानी मिलेगा और किसानों को अभी बहुत तकलीफ हो रही वहाँ पे पानी की। तो मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास तो कर दिया, ये धरातल पे कुछ भी नहीं है। अभी तक शिलान्यास करने के बाद अभी तक काम चालू नहीं आया। हम जल संसाधन विभाग कभी कितनी बार गए वहाँ भी कहते कि राशि नहीं आई, तो मतलब शिलान्यास करने का मतलब क्या है? भूमि पूजन कर दिया उसके बाद भी हमारा मतलब काम चालू नहीं हुआ तो किसान मजदूर कहाँ जाएंगे? फिर पलायन करना उनको मजबूरी हो जाएगी। जेएसआर टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वरा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।